प्रिय भाइयों और बहनों, आज की पावन रात्रि में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त मृतकों में से जी उठे, इसलिए कलीसिया संसार भर के अपने सब पुत्र पुत्रियों को बुलाती है कि हम भक्ति पूर्ण प्रार्थना से यह पुण्य जागरण मनाए। यदि हम प्रभु के वचन सुनकर और उनके बलिदान में भाग लेकर पास्का रहस्य का स्मरण करते हैं, तो निसंदेह हम उन्हीं की भांति मृत्यु पर विजय पाएंगे और पिता ईश्वर के संग जीने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। प्रकाश की धर्मविधि। अभी आज की धर्मविधि का पहला भाग अर्थात प्रकाश की धर्मविधि प्रारंभ हो रही है। अभी नई आग जलाई जाएगी एवं उसकी आशीष होगी। इस विधि ख्रीस्त यह विधि ख्रीस्त के पुनरुत्थान का प्रतीक है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने अग्नि को अपनी उपस्थिति का प्रतीक बनाया, यह आग भी ख्रीस्त की नई उपस्थिति का प्रतीक है। आग से निकलती चिंगारी के समान यीशु ख्रीस्त अपनी चट्टान की कब्र से जी उठे। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र के द्वारा विश्वासियों का अपनी दिव्य अग्नि प्रदान की है, इस नई आग को पवित्र कर और हमें ऐसी कृपा दे कि पास्का महोत्सव मनाने में हम सबों में स्वर्ग की अभिलाषाएं प्रज्वलित हो उठे। इसके फलस्वरूप हम अनंत ज्योति के उत्सव में शुद्ध मन से सम्मिलित हो सके। हमारे प्रभु ख्रीस्त के पास्का मोमबत्ती हमें पुनर्जीवित ख्रीस्त की याद दिलाती है। अभी मुख्य याजक पास्का मोमबत्ती पर क्रूस का चिन्ह अंकित करते हैं। इसके बाद यूनानी वर्णमाला का प्रथम और अंतिम अक्षर अल्फा और ओमेगा लिखते हैं, फिर वर्तमान वर्ष की संख्या 2022 भी लिखते हैं। यूनानी अक्षर अल्फा और ओमेगा का अर्थ है पुनर्जीवित ख्रीस्त, आदि और अंत, सब युगों के स्वामी हैं। वर्तमान वर्ष की संख्या यही सिखाती है कि वे इस आगामी पूजन वर्ष में हमारे जीवन में प्रकाशमान हों। ख्रीस्त जैसे कल थे वैसे आज है, सबका आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा उनके अधिकार में है। काल और युग चक्र उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। अब मुख्य अनुष्ठाता लोबान के पांच बड़े दाने क्रूस के रूप में मोमबत्ती पर चढ़ देते हैं। ये पांच दाने हमारे प्रभु के पांच घावों के प्रतीक हैं। प्रभु ख्रीस्त अपने पावन और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे। और संभाले आ